नमस्ते, माय नेम इज निधि नागौरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक सुपर शॉर्ट वीडियो है, एक सुपर आस्क क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। और वो क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे सीए के बाद एसीसीए या सीपीए करना चाहिए। ये सवाल आप बहुत बार पूछ चुके हैं मुझसे, और जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था जहां पे मैंने ये सीपीए और एसीसीए इन सबको कंपेयर किया था, तो आपका वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ गया। सो आई थॉट एक छोटा सा वीडियो मैं बना देती हूँ ताकि आपको इस सवाल का जवाब मिल सके। अगर आपको भी सेम कंफ्यूजन है, देन मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड। इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन डाउन बिलो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज और भी बहुत सारे कोर्स कंपेरिजन और आपके सवालों के जवाब इस चैनल पर आते रहेंगे। और नोटिफिकेशन बेल वो तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, सारी वार्तालाप हो गई है, अब चलते हैं सीधा वीडियो में। क्विक बैकग्राउंड, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 2013 में अपना सीए कंप्लीट किया, 2019 में मैंने यूएस सीपीए कंप्लीट किया। मैं खुद सीए स्टूडेंट थी, स्पेशली जब मैं फाइनल्स में थी तो जो इंटरनेशनल कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस होते ना, उनको बहुत सेल किया जाता था, बहुत पुश किया जाता था। I also felt sometimes, you know, कि यार मुझे भी एक कर लेना चाहिए, स्पेशली आई थिंक FRM एंड CFA, क्योंकि उनको बंडल्ड कोर्सेज में सेल किया जाता था। मुझे लगता था यार कर लेना चाहिए। वो खत्म हुआ तो फिर CMA बहुत सेल होने लग गया, फिर मुझे लगा यार CMA कर लेना चाहिए। और थैंकफुली मैंने कुछ भी नहीं किया, बिकॉज मैं CA फाइनल पे इतना फोकस थी दैट आई हैड टू क्लियर इट, वो करना था मुझे, तो इसीलिए मैंने कुछ भी उस टाइम पे पिकअप नहीं किया, विच आई थिंक टर्न आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक। अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, आपको अगर कोई कह रहा है कि यार ये कोर्स कर लो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है, तो दैट इज नॉट द रियल रीजन। आपको कोई कोर्स करना है तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कीजिए, और आप फ्यूचर में क्या परस्यू करना चाहते हैं अपने करियर वाइज, आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप सारे कोर्सेज कीजिए। इसीलिए जो मैं ये क्विक कोर्स कंपेरिजन है ये कर रही हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल सके कि यार मुझे जो भी करना है उसके हिसाब से कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। सीपीए के बारे में तब सुना था जब मैं खुद सीए फाइनल में थी। इंडिया में उस टाइम पे एक ही इंस्टीट्यूट था जिसका मैंने नाम सुना था, वॉज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सीपीए यूएस। मैंने सीपीए यूएस 2019 में किया, मैं यूएस 2016 में आई, मैंने 2016 में काम करना चालू किया। 2019 में मैंने अपना सीपीए यूएस खत्म किया मई में, और जून में हम कनाडा आ गए। सो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो है मुझसे ये पूछते हैं कि सीए के बाद सीपीए किया तो बताओ यार क्या बेनिफिट है उसका। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं यूएस में थी जब मैंने सीपीए किया, मैं ऑलरेडी यूएस में 2 साल के ऊपर काम कर चुकी थी, मैंने यूएस गैप में सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर लिया था, मैं ऑलरेडी बहुत सारे ऑडिट्स कर चुकी थी, कॉर्पोरेट लॉ के बारे में मुझे बहुत कुछ पता था उस टाइम तक। तो जब तक मैंने सीपीए यूएस लिखने का डिसाइड किया तब तक मुझे ऑलरेडी 2 साल के ऊपर हो चुका था यहाँ पे काम करते हुए। सो फॉर मी वो डिसीजन उतना डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन अगर आप इंडिया में हो और आप अभी वहां काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो यार सीपीए करना चाहिए कि सीएफए करना चाहिए कि एसीसीए करना चाहिए, अगर आप कंफ्यूज हो, आप कुछ आप पढ़ना चाहते हो आगे, सो लेट मी गिव यू सम पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओ कि आपको सीपीए करना है या नहीं करना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप कहाँ काम करना चाहते हो? आप इंडिया में काम करना चाहते हो या आप इंडिया के बाहर काम करना चाहते हो? ना, इंडिया के बाहर काम करने का मीनिंग मैं ग्लोबल और ऑफशोर भी लूंगी, बिकॉज ऑफशोर इज ऑल्सो अबाउट वर्किंग इन अदर कंट्रीज एंड वर्किंग विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अगर आप ऑफशोर में काम करना चाहते हैं या आप इंडिया के बाहर काम करना चाहते हैं, अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, सो ग्लोबल रिकग्निशन जो है वो डेफिनेटली इंडियन सीए हेल्प्स यू, वो आपको फर्स्ट जॉब कहीं पे दिला सकता है। लेकिन अगर आपको करियर में एस्केलेट करना है, आपको अपने करियर में अपवर्ड मोबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई जो लोकल सर्टिफिकेशन है वो करनी पड़ेगी। इन दैट केस सीपीए बहुत हेल्प करता है। तो मुझे सीपीए ने बहुत हेल्प किया बिकॉज इट रियली पुश्ड माय करियर। ऐसा नहीं था कि मुझे सडनली जॉब्स अच्छे मिलने लग गए, जॉब मुझे इंडियन सीए से भी मिल गया, लेकिन जो काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है ना वो चेंज हो जाती है। बहुत सारे हाई वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको लोकल सर्टिफिकेशन से ही आते हैं, यानी कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हैं तो अगर आप कनाडा में हो तो सीपीए कनाडा या सीपीए यूएस से ही आएंगे। सो वो सारे अपॉर्चुनिटीज का थोड़ा सा उस मिक्स का थोड़ा फर्क है। यू आर वर्किंग इन इंडिया, और अगर आप बिग फोर में काम कर रहे हो लेकिन आप इंडियन काउंटर पार्ट को सर्व कर रहे हो, इंडियन कंपनीज को सर्व कर रहे हो, इंडियन क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हो, सो इन दैट केस सीपीए मे नॉट बी द आइडियल सर्टिफिकेशन फॉर यू टू परस्यू। लेकिन अगर आप ऑफशोर में काम करना चाहते हो या अगर आप इंडिया के बाहर काम करना चाहते हो, देन डेफिनेटली ये एक अच्छा कोर्स है, इनमें से आप जो भी चूज करना चाहते हो। पॉइंट नंबर टू, डू यू हैव एस्पिरेशंस ऑफ मूविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया? बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, आई रियली रियली जेन्युइनली मीन कि मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि यार हम इंडिया में हैं, हमें इंडिया में ही रहना है, हमने ऑलरेडी सीए कर लिया है, अब हम सीपीए करें या नहीं ये बताओ। द आंसर टू दैट इज अगेन वेरी ट्रिकी। आप किस डोमेन में काम करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं
तो अगर आप US मल्टीनेशनल के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं या आप किसी UK मल्टीनेशनल के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो उनके लोकल सर्टिफिकेशंस कर लेना जनरली अच्छा होता है। लेकिन अगर आप इंडिया में हो, इंडियन कंपनी में काम कर रहे हो एंड यू हैव नो एस्पिरेशंस और इंटरेस्ट्स इन मूविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, फिगरिंग आउट व्हाट इज देयर टू यू नो बी ऑफर्ड, देन आई थिंक इंडियन CA इज परफेक्ट एंड आई थिंक यू शुड बी लुकिंग एट कि आप कोई और सर्टिफिकेशन परस्यू करो। पॉइंट नंबर 3, कुछ नया पढ़ना है। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि यार निधि, हमने इंडियन CA कर लिया है, अब ना हमें कुछ नया पढ़ना है तो हम CPA कर लेते हैं। सो आई वॉन्ट टेल यू गाइज दिस कि CPA इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम CA, एटलीस्ट मुझे नहीं लगा मैंने जो भी पढ़ाई की थी CA में, क्योंकि यार जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है ना वो चेंज नहीं होते, डेबिट क्रेडिट्स कहीं चेंज नहीं होते, ऑडिट आप जिस मेंटालिटी से करते हो वो चेंज नहीं होता, फ्रॉड का डेफिनेशन चेंज नहीं होता। तो ओनली डिफरेंस दैट आई फाउंड जेन्युइनली वाज द बिगेस्ट डिफरेंस वाज इन टैक्सेशन, क्योंकि मैं टैक्सेशन में काम भी नहीं करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन कॉर्पोरेट लॉ, बट आई वुड से दैट वाज अबाउट इट। बाकी सारी चीजें मुझे बहुत सिमिलर लगी, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने काम भी किया हुआ था, बट मुझे CA से इतना पढ़ाई हो गई थी, इतनी इन्फॉर्मेशन और इतनी नॉलेज मिल गई थी कि वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं था। सो अगर आप जस्ट कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, कोई नई नॉलेज को असिमुलेट करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अगर आप इंडियन CA हैं देन मे बी CPA इज नॉट द बेस्ट सर्टिफिकेशन, ओनली बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है। देर आर सो मेनी सर्टिफिकेशन आउट देयर जो आप देख सकते हो, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो कि यार जैसे CIA हो गया, CFE हो गया, you know, then there is FRM, then if you want to move into finance, there is CFA. So there are just so many certifications out there. कि CPA उन सब के कंपैरिजन में थोड़ा सा रेपिटेटिव हो जाता है। सो दैट वाज इट गाइस, दोस आर द 3 पॉइंट्स दैट आई वुड से यू लुक एट जब आप सोच रहे हो कि CA के बाद आपको CPA करना है या नहीं करना है। आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं? आप इंडिया में काम करना चाहते हो या नहीं, आप US GAAP में काम करना चाहते हो या नहीं, या आप US मल्टीनेशनल्स में काम करना चाहते हो या नहीं, UK मल्टीनेशनल्स में काम करना चाहते हो या नहीं, बेसिकली आप इंडियन GAAP और इंडियन लॉज छोड़ के किसी भी और सेक्टर में अगर काम करना चाहते हैं then definitely CPA or ACCA will make sense for you. लेकिन अगर आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं और आप अपने इंडियन CA के जो भी नॉलेज और एक्सपीरियंस से सेटिस्फाइड हैं और आप उसी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन के साथ काम करना चाहते हैं, then these are probably not the right certifications for you. Hopefully इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आपका जो मैंने मिस कर दिया हो, कमेंट बॉक्स में उसे जरूर टक 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 टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी, या तो कमेंट पे ही या फिर एक नए वीडियो के साथ। I'll see you in the next video. Until then, make sure you stay safe, take care of your loved ones, and keep dreaming.